आज हम व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और दूसरे ऋण के विवरणों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गहिन सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न विवरणों विभाग परमेश्वर की वही में रोम नामचा लिखिए। 2014 लिखा है तो 2000 हम 14 लिखते हैं, और जून है तो जून कितना है तो 1 जून से है। तो क्या क्या लिखा है, तो 50,000 रोकड़, 10,000 का माल स्टॉक, तो 15,000 का देनदार, लाख का धंधा प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो जो सामान लें, तो आए तो उधार, जाए तो जमा। तो जो जो सामान आया है उसको हम उधार लिखेंगे। जैसे क्या आया है, रोकड़, खाता, उधार, और क्या आया है, माल, स्टॉक, खाता, उधार, और देनदार, खाता, उधार। कितना है, तो ये है 50,000, ये है 10,000, और ये 15,000 है। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास होता है 75,000। तो 75,000 क्या हो जाएगी हमारी पूंजी। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाते का। विवरण में लिखते हैं रोकड़, माल, स्टॉक तथा देनदार से व्यापार प्रारंभ किया। इस तरह से लाइन खींच देने की है। अब दूसरे जून 2 है, उसमें देखते हैं श्रीमती शारदा के पास से 20,000 की लोन 10% ब्याज से ली। तो हमारे पास रोकड़ आया है तो हम यहाँ लिखेंगे रोकड़, खाता, उधार, और 12% की श्रीमती शारदा की लोन खाते का कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000, और यहाँ 20,000। ब्याज हमको देना नहीं है क्योंकि अभी मैं अभी लिया हुआ है, इसलिए ब्याज से हमी को लेना कुछ देना नहीं है, इसलिए अभी ऐसे लिखते हैं। तो विवरण में लिखते हैं श्रीमती शारदा की 12% की लोन प्राप्त हुई। अब यहाँ पर लाइन खींच देना है हमको यहाँ, और फिर देखते हैं अप्रैल तो जून 3, रामेश्वर स्टोर में से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा निकाला। तो मैं आप व्यापारी बट्टा निकाल के दिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमने खरीदा है तो हम लिखेंगे खरीद, खाता, उधार, और रामेश्वर स्टोर खाते का विवरण लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको व्यापारी बट्टा निकाल के दिखाता हूँ तो किस तरह से व्यापारी बट्टा निकालते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमको कैलकुलेटर में तेज़ी से गणना कैसे करनी है। तो 8,000 लिखना है, माइनस करना है 10%, तो -10% करते हैं, वैसे ही हमारा कितना आ जाता है, 7,200 आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7,200, तो ये हमारा आया 7,200 आया, 7,200 यहाँ लिख देते हैं। अब हम विवरण में लिखते हैं, विवरण में क्या आएगा, तो लिखेंगे रामेश्वर स्टोर्स से 10% व्यापारी बट्टा से उधार माल खरीदा। फिर तरह लाइन खींच देना है, और फिर हमको देखना है कितनी अब है, 5 जून है, तो 5 जून को क्या लिखा है, गायत्री स्टोर से 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा है। तो बेचा है तो हम लिखेंगे, सबसे इसका उल्टा कर देंगे, जैसे नाम पहले आ जाएगा, बोले गायत्री स्टोर्स खाता उधार, गायत्री स्टोर खाता उधार हो जाता है, और उसके बाद बिक्री खाते का। तो कितना निकल आएगा, तो मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है हमको। हमें यहाँ पर लेना है 5,000 का माल बेचा है हमने 5,000 का, तो 5,000 का हमको 10% माइनस कर देना है, और तो हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे 5,000 लिखा, उसके बाद माइनस का दबाना है बटन, फिर उसके बाद 10% लिखना है, और जैसे ही 10 लिखोगे, परसेंट पे बटन दबाओगे, तो अपने आप आ जाएगा घट करके 4,500 रुपये। तो यहाँ पर हमको 4,500 रुपये लिखना है, तो यहाँ 4,500 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है विवरण में गायत्री स्टोर्स को 10% व्यापारी बट्टे से उधार माल बेचा। इस तरह से लाइन खींच देने की है, और हमको क्या करना है, अब 7 जून का है, 7 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसको ध्यान से समझना है। राधा किसान स्टोर से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, आधी रकम हमने चेक से दी। तो हम यहाँ पर देखेंगे आधी रकम हमने चेक से दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, याद करेंगे खरीद खाते, खरीद खाता उधार, रकम अभी लिखते नहीं क्योंकि अभी ज्ञात करेंगे। फिर हम लिखेंगे किससे खरीदा, आधा माल मैं चेक से दिया है, इसलिए आधे का हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे,
राधा किशन स्टोर्स खाते का, और किससे दिया हमने, तो बैंक से दिया, इसलिए बैंक खाते का। रोकड़ बट्टा हमेशा लिखा जाता है, व्यापारी बट्टा लिखा जाता नहीं, लगना कौन सा बट्टा लिखा जाता है, रोकड़ बट्टा, तो रोकड़ या बट्टा खाते का, ज़्यादा से लिख देते बट्टा खाते का। जैसे रोकड़ बट्टे का हमको यहाँ पर एंट्री करनी है, व्यापारी बट्टे का एंट्री करना नहीं है, लेकिन माइनस जरूर करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तब ध्यान से समझना है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हमने कितने का माल खरीदा है, तो 15,000 का खरीदा है। आप सबसे पहले माइनस लिखेंगे, 15,000 लिखने के बाद 10% करते हैं तो हमारे पास 13,500 रुपये आ जाता है। 13,500 आ जाता है, उसमें 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास 6,750 आता है। तो 6,750 रोकड़ दिया है, और 6,750 कैसा है उसके नाम पे लिखेंगे, जो रोकड़ दिया है उस पर हम 10% माइनस करके लिखते हैं, 10% करके, तो हमारे पास 6,000 आता है, 75 कितना आता है, 6,075 आता है। और बाकी का क्या हो जाता है, तो बाकी का हम यहाँ लिखते हैं, 750 में से घटाते हैं तो 675 हमारा यहाँ पर रोकड़ बटाव आ जाता है, रोकड़ बटाव। इस तरह से हमको गणना करनी है। हम यहाँ पर लिखते हैं कितने की खरीदी की, बोले 13,500 की, कितना हमको बाकी रखा है तो 6,750 बाकी रखा है, और रोकड़ कितना दिया तो 6,075 दिया, और 675 हमारे पास क्या है तो 675 रोकड़ बटाव है। यहाँ विवरण में लिखते हैं राधा किशन स्टोर्स से 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीद कर आधी राशि का चेक दिया। इस तरह से लाइन खींच देना है। अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। 10 जून विभूति के पास से 5,000 का माल बेचने का ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिला है, इसलिए यह कैसी है, गैर आर्थिक व्यवहार है। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिया तो कोई बात नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। तो हम 12 तारीख का देखते हैं, तो 12 तारीख को क्या लिखा है, विभूति के ऑर्डर अनुसार 10% व्यापारी बट्टा से और लारी भाड़ा रोकड़ चुकाया। तो हम यहाँ लिखते हैं विभूति खाता उधार और बिक्री खाते का। तो हम देख रहे हैं विभूति से कितने का माल ऑर्डर मिला था, तो 5,000 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 लिखा हमने यहाँ, 5,000 में से कितना परसेंट बोला है, 10%, जैसे 5,000 लिखा, माइनस का बटन दबाया, 10 लिखा, परसेंट का बटन दबाओगे तो अपने आप 4,500 रुपये आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 4,500 और यहाँ 4,500 लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, और हमने लाड़ी भाड़ा भी चुकाया है, तो हम यहाँ पहले विवरण में लिख देते हैं कि विभूति को 10% व्यापारी बट्टा से माल बेचा। अब लारी भाड़ा का लिखते हैं, तो लारी भाड़ा भी 12 तारीख का ही है, तो लिखते हैं खर्चा है हमारे से, लारी भाड़ा गया है, इसलिए लारी भाड़ा खाता उधार रोकड़ खाते का, रोकड़ रुपया चुकाया है तो रोकड़ खाते का 50 रुपये, और यहाँ भी 50 रुपये। विवरण में लिखते हैं लारी भाड़ा रोकड़ चुकाया, रोकड़ चुकाया, ओके। उसके बाद हम देखते हैं 15 तारीख का, 15 जून को क्या लिखा है, विभूति दिवालिया घोषित होने पर 300 रुपये डूबत ऋण हुई, बाकी की राशि का चेक मिला। तो हम देखेंगे विभूति से हमको कितना लेना था, 4,500 रुपये लेना था, लेकिन हमको 300 रुपये क्या हुआ, डूब गया, और बाकी का कितना मिला, 300 रुपये घटा दो तो 4,200 रुपये हमको मिला। तो बैंक से मिलेगा वो, जब कोई ऐसा हो तो बैंक से मिलता है पैसा, इसलिए बैंक खाता उधार लिखते हैं, और 4,200 रुपये हमको मिल जाता है। और डूब कितना गया, तो उसको डूब जाता है, उसको लिखते हैं डूबत ऋण खाता, कितना डूब गया है, 300 रुपये डूब गया। अब लिखेंगे विभूति का खाता बंद करना पड़ेगा, इसलिए विभूति खाते का कितना है, 4,500। विवरण में लिखते हैं विभूति दिवालिया होने पर शेष राशि का चेक मिला। इस तरह से हम लिख दिया है एंट्री, और यहाँ पर लाइन खींच देने की है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सोलह जून को लिखा हुआ है अनूप के 1,050 के बाकी लेना पेटे, 1,000 का चेक
चेक हमको मिल गया है। तो यहाँ लिखेंगे अनुपम खाता उधार 1050, बैंक खाते का कितना, 1000 का चेक मिला। और यहाँ लिखेंगे कसर खाते का, यानी हम कभी कभी छोड़ देते हैं 50-60 रुपया, हो तो थोड़ा बहुत पैसा हो तो हम छोड़ देते हैं, जब हज़ारों का हो तो 50-60 रुपये छोड़ देते हैं, इसलिए कर कसर उसको लिख करके खाता क्लोज कर देते हैं, खाता बंद कर देते हैं। विवरण में लिखते हैं अनुपम को हिसाब चुकते चेक दिया। फिर हम लिखते हैं कौन सी तारीख है, 20, ईमानदार के पास से अपलिखित दुवत ऋण के 1500 वापस आए। तो हमको वापस आया पैसा, हमको मिला है, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता उधार और दुवत ऋण उधार किया था, तो दुवत अगर वापसी हुआ तो वो जमा में आ जाएगा, तो दुवत ऋण वापसी खाते का कितने का हुआ है, तो 1500 का है, 1500 का है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं विवरण में ईमानदार से अपलिखित दुवत ऋण के वापिस मिले, प्राप्त हुए हुआ, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हमको यहाँ पर कुल कर देने का है, तो मैंने कैलकुलेटर से करके रखा है, 1,31,800, 1,31,800 होता है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपके 11वीं के विद्यार्थी तो कमेंट जरूर करें, जिससे मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं, और अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं बनाता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।